हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम के लिए। देखो, वीडियो के एंड में तुम्हें एक चीज बताऊंगा, जिससे एक स्टडी टिप बताऊंगा जो कि कोई चैनल पे तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस से स्टडी टिप है और वो स्टडी टिप तुम्हारे एक अलग ही नंबर लाने की पावर रखती है। और जब तुम सुनोगे ना वो स्टडी टिप, तुम्हें भी मजा आ जाएगा सुन के। मैंने सीए फाउंडेशन इंटर सब में वाली ही करी है और उससे बहुत खतरनाक रिजल्ट मिले, सो वो स्टडी टिप जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, जैसे जनवरी का तुमने भी कोई गोल बना रखा होगा, तो मैंने भी जनवरी का गोल बना रखा है, जनवरी के एंड तक 3K सब्सक्राइबर्स करवा ही देना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा जनों तक वीडियो पहुंचे और ज्यादा जनों का फायदा हो, और तुम्हारे भी किसी दोस्त को शेयर कर देना, ठीक है ना। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन अकाउंट्स के बारे में। देखो, अकाउंट्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर जो मेरे को लगे, और देखो वैसे टॉपिक्स अपने 11, 12 से मिलते जुलते ही हैं बहुत सारे, तो वो तो तुम्हारे हो जाएंगे। और जो नए टॉपिक्स है ना, सबसे मेनली फोकस तुम्हें उन पे करना है। और बेस्ट यूट्यूब चैनल देखो रहेगा अंशुल अग्रवाल सर, जो तुमने अन अकेडमी पे हैं, जो तुमने देखी भी होंगी कभी, उनकी वीडियो देखना, अकाउंट्स में बेस्ट रहेगा वो। और बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे 11, 12 के, तो वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। और जो नए चैप्टर हैं, मेन फोकस उनमें रखना, और वो तुम अंशुल अग्रवाल सर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ में देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूंगा, क्या है, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स हैं, तो एक और टिप मैं तुम्हें को एंड के अंदर बता दूंगा कि दो टीचर्स के बीच में कैसे सेलेक्ट करें। पहले मैंने बता रखी है, लेकिन वापस मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है ना। सो लॉ के अंदर बेस्ट, देखो लॉ के अंदर मेरे को दो बहुत बेस्ट टीचर्स लगते हैं, एक तो अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स और एक सी ए इंद्रेश गांधी। भाई दोनों मेरे को बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन अगर दोनों में से भी एक बताना हो, तो मेरे को अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा समझ आता है मेरे को। और लॉ के अंदर अगर नंबर स्कोर करने ना ज़्यादा, नोट्स तुम्हें बनाने ही बनाने पड़ेंगे, वो तो नेसेसरी रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना लॉ के लिए। उसके बाद अपना तीसरा पेपर मैक्स। देखो मैक्स के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, प्रणब पोपट सर और निशांत सर अन अकेडमी, भाई बेस्ट ये वाले टीचर्स की तुम बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, एमसीक्यूज वगैरह की और कॉन्सेप्ट्स की, भाई वो देखना मजा आ जाएगा। और हाँ, यूट्यूब से भी सीए फाउंडेशन आराम से हो सकता है, मैंने खुद ने 12+ यूट्यूब से ही सीए फाउंडेशन करा है, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत सारे सबको देखा मैंने, तो बेस्ट मेरे को जो लगे वो बता रहा हूँ। और जो तुम्हारी भी कोई रिकमेंडेशन हो, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक और टीचर है आकाश अग्रवाल नाम से सर, भाई उनके तुम्हारे को प्रीवियस ईयर्स के है ना सारे क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन वाली वीडियो मैं बोल रहा हूँ, सारी देख लेना, सारी मैंने भी सारी देखी थी। उससे तुम्हारे को एक अलग ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई कैसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत शानदार लगती है मेरे को, मैंने जब भी वीडियो देखी ना, जो भी वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कैसे भी अलग अलग तरीके से सॉल्व कर देते हैं ना, भाई बहुत यूजफुल रही है। तो ऐसा तुम्हारा पूरा रहेगा लॉ के, वो मैथ्स के लिए। अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो इकोनॉमिक्स के लिए मोहनीश वोरा सर अन अकेडमी से, एमवी सर, भाई उनके देखना बहुत सही रहेगा। सिंपल सा तुम्हें करना है, जो मैं टीचर बता रहा हूँ ना, चैप्टर का नाम तुम्हारे को यूट्यूब पे सर्च मारना है और वो टीचर का नाम सर्च मारना है, तुम्हारे को आराम से वीडियो मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए एमवी सर बेस्ट रहेंगे, उनके भाई नोट्स वगैरह बहुत शानदार है, चार्ट्स वगैरह, सो उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा इकोनॉमिक्स में भी। सो ये सारे टीचर्स अपने रहेंगे जो कि बेस्ट रहेंगे, और इनको तुम बिल्कुल रेफर कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, बेस्ट स्टडी टिप जो मैं तुम्हें देने जाने वाला था। उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने बोला था ना कि अगर तुम दो टीचर्स में कन्फ्यूज़ हो ना, तो क्या करना, सबसे बेस्ट एक चीज़, एक चैप्टर मतलब जो टीचर है, एक चैप्टर एक टीचर से और एक अलग चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर एक अलग टीचर से, दोनों से पढ़ लो और दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम्हारे को किससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई, और जिससे तुम्हारे को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, समझ भी आ रहा है और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो रहे हैं तुमसे, बेस्ट टीचर तुम्हारा वही रहेगा। मतलब दोनों में से जो तुम्हारे को समझ आ रहा है ना, जिससे जो चैप्टर समझ आ गया तुम्हें अच्छे से और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, तो वाले टीचर से पढ़ना है। ऐसे तुम दो टीचर्स के बीच में एक टीचर सेलेक्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट। और ज़्यादा ऑप्शनल बना के, ज़्यादा ऑप्शंस रखोगे ना तुम्हारे पास, तो भाई बहुत गलत होगा, फिर तुम देखोगे यार इसे तुम इतना सुनने में ध्यान नहीं दोगे और फिर तुम दूसरे पे स्विच हो जाओगे जल्दी से, तो वो नहीं करना, ठीक है ना, एक टीचर फिक्स रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक स्टडी टिप के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगी, और ये फॉलो ज़रूर करना, ठीक है ना। मैंने भी करी है फाउंडेशन में, इंटर में, सब में, ज़रूर करना। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी एक कॉपी या रजिस्टर लेना है, मैंने ली थी कॉपी, ठीक है ना, उसमें थे 200 पेज, तो कॉपी के अंदर 200 पेज थे। अब अपने पास है चार सब्जेक्ट, तो मैंने क्या करा, चार
भाग में कॉपी को बांट दिया, 200 पेज थे ना, फर्स्ट पेज पे लिख दिया अकाउंट्स, फिर 51 पेज पे लिख दिया लॉ, फिर ऐसे ही 101 पे, ऐसे 400 में चारों सब्जेक्ट के लिए बांट लिया, ठीक है ना। अब मॉड्यूल के इलुस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर कोई भी पीडीएफ से तुम कोई की भी क्वेश्चंस कर रहे हो, एमटीपी, आरटी, पीवाईक्यू, हर चीज, और कहीं से भी तुम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह तुम कोई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अब ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो तुम्हें क्वेश्चंस ना आए, या फिर कुछ जैसे अकाउंट से कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जो बहुत घुमावदार हो, कुछ लाइन हो सकती है जो बहुत घुमावदार हो, जिनका मीनिंग तुम्हें नहीं आया, कोई वर्ड हो सकता है जो पूरा क्वेश्चन नहीं चेंज कर दे, वो सब चीज़ें, वो जैसे अकाउंट्स के लिए तुमने ये सब देखा, तो वो जो कॉपी है ना, अब तुमने जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करा तुम्हें ये लाइन बढ़िया लगी, तो क्या करना उस लाइन का आंसर, जो आंसर होगा ना, तुम अगर कोई टेक्निकल कैलकुलेशन है तो तुम कैलकुलेशन भी लिख सकते हो, जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट है ना उसका सॉल्यूशन तुम्हें वो अकाउंट्स के नीचे उधर लिख लेना है, और कोई टेक्निकल कैलकुलेशन है तो वो भी लिख लेनी है, ऐसे तुम्हारे को हर सब्जेक्ट में करना है। जितने भी तुम पेपर करो, जितने पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, वैसे 3 अटेम्प्ट तक के सही रहते हैं, बाकी तुम जितने भी करो ना सबके तुम्हारे को जो जो चीज़ें घुमादार लगी, जो भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई सारी तुम्हें लिख लेनी है। अब लॉ के अंदर जैसे तुम्हारे को हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं टॉपिक्स वगैरह हैं जो तुमने ऐसे बुक से पढ़े, लेकिन जब तुमने क्वेश्चंस वगैरह करे तो तुमने देखा अरे हाँ यार ये छूट गया था, तो उसका आंसर लिख लो, ताकि वो तुम लिखोगे ना जो तुम याद करना चाहते हो ना वो लिख लो वहाँ पे, बेस्ट चीज़ रहेगी। तुम्हारे को होता है ना कि कुछ नई चीज़ देखी तुमने, अब तुम देख रहे हो यार बाद में मेरे को ये याद रहे, तो वो लिख लो वहाँ पे। उसके बाद अपने मैथ्स के अंदर तो तुम्हारे पास भर भर की चीज़ें भाई, बहुत सारी टेक्निकल कैलकुलेशन, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स, उसका क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर लिख लो। इकोनॉमिक्स के लिए तुम जो भी मोस्टली मैंने देखा है ना, जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए रहते हैं ना, उनके अंदर फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन आते हैं अपने पास, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जितने भी वो डायग्राम होते हैं उनके अंदर एमसीक्यू भर भर के आते हैं, तो एमसीक्यू के लिए जो कॉपी तुमने है ना उधर पूरे डायग्राम सारे बना लो, बेस्ट। और फिर तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई पेपर वेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, इनफैक्ट तुम्हारा जो मेन एग्जाम होगा ना जिसमें तुम्हें 1.5 दिन का गैप मिलेगा, उस एग्जाम के अंदर भी तुम्हें ये कॉपी रिवाइज करनी है। तुम खुद ही एक बार दिमाग लगाओ, जब ये तुम कॉपी रिवाइज करोगे, इलुस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सारे जितने भी अटेम्प्ट के तुमने पेपर करे सारे, सबका रिवीजन हो जाएगा, जो तुम्हें क्वेश्चन हार्ड लगते थे उन सबका रिवीजन हो जाएगा, और जो तुम्हें आते थे वो तो हो ही गए, और जो हार्ड थे उनका पन्ने पूरा रिवीजन कर लिया, भाई नेक्स्ट लेवल, ऐसे तुम्हारे को पूरा शानदार रिवीजन हो जाएगा, और इतना खतरनाक रिवीजन कोई नहीं करके आएगा एग्जाम के अंदर, इसलिए तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, तो ये करके ज़रूर देखना। ये थी स्टडी टिप, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो ना तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यही था इस वीडियो के अंदर, अगर तुम्हारे को और भी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो 2 से 3 दिन में तुम्हारे हाथ में होगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर।